हाई डिश में आपको काफी ज्यादा मिलती है देखने के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं पूरा लेट चुका हूँ, मैं अंदर तक आ चुका है। ये इतना तूफान आ रहा है भयंकर वाला। और इस टेंट को तो आप मत ही प्रीफर करें अगर आप कैंपिंग करते हैं रेनी सीजन में। और रही बात स्पेस की, तो स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आप स्पेस के चक्कर में ले रहे हैं और परफेक्टली समर के लिए ले रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं। तो आ चुके हैं हम अपनी एक और न्यू वीडियो के साथ, और फिलहाल आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं अपने M100 फ्लैश टेंट की, जो कि एक समर टेंट है। आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा हम कैंपिंग भी करते हैं और साथ में यूज़ करते हैं ऐसे ही अलग अलग टाइप के डीकैथलॉन के टेंट्स और भी बहुत सारे टेंट्स। तो आजकल गर्मियों का सीजन है और जंगलों में घास उग जाती है, जो टेंट है वो यहाँ पर पिच कर सकते हैं नहीं कर सकते, ये सब हम देखने वाले हैं अपनी वीडियो में। तो फटाफट इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, फिर देखते हैं इसके अंदर से कि कैसा लगता है इसके अंदर, और क्या ये एक परफेक्ट टेंट होगा समर के लिए, और इसकी प्राइस के बारे में भी बात करेंगे और कहाँ से आपको इसको परचेस करना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। और इसके साथ सबसे पहले ये कुछ क्लिच टाइप के मिलते हैं इसको खोलने के लिए, इसको साइड में रख दो। अब जो ये हमारा मेन टेंट है, तो इसके साथ आपको ये आउटर कवरिंग मिलेगी, ये कुछ इस टाइप की आउटर कवरिंग मिलती है इसमें, इसको रख लेते हैं साइड में, अभी इसका कुछ काम नहीं है, साइड में रखो। ये मिलते हैं इसके साथ स्टिक्स, तो दो ब्लैक रंग की स्टिक मिलती है और एक रेड रंग की मिलती है जो सामने के फ्रंटल एरिया को कवर करने के लिए होती है। और अभी ये जो ग्राउंड वाली लेयर है इसकी, इसको सबसे पहले अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इसने कितना ज़्यादा एरिया ले लिया है, यहाँ पर कम से कम 3 मीटर के आसपास ये पूरा एरिया कवर करता है, 3 मीटर इधर को और 3 मीटर इधर को, 3 मीटर इधर को। और इसमें आपको देखने मिलेगा जो इसकी स्टिक्स होती है ना, ये एकदम स्ट्रेट नहीं होती, मतलब कि यहाँ पर से क्रॉस होती है हर जगह पे, ताकि इसको एक शेप दे पाएँ, रेन से बचाने के लिए भी काम करती हैं। जो कि अभी देखिए आप टेंट का शेप काफ़ी वाइडर लग रहा होगा आपको, तो चारों साइड के हुक लगा लेंगे इसके, ताकि ना जो हमारा टेंट है उसको एक अच्छा शेप मिल जाए। और इसमें आप देख रहे होंगे एक नेट, नेट टाइप का देखने के लिए मिल रहा होगा आपको, जो कि मच्छरों से आपको बचा रहा है। तो जो अपना टेंट है उसकी जो इनर लेयरिंग है वो तो सेट हो चुकी है, अब हम इसकी आउटर लेयरिंग लगाने वाले हैं जो कि इसके ऊपर से आती है, जो कि एकदम वाटर प्रूफिंग का काम करती है और गर्मियों में वो धूप से भी हमको बचाती है। खैर रात को तो धूप नहीं होती, बट वो मेन काम करती है बारिश से बचाने का, जो हल्की फुल्की बारिश होती है उसके लिए काम आती है। चलो पकड़ो इसको, लगाओ सारी क्लिप्स। तो यहाँ पर जो इसके लॉक्स हैं सारे लॉक्स हम लगा ले रहे हैं, हाँ ये ग्रीन वालों से ग्रीन वाले मिला लो। फाइनल चीज़ है ये स्टिक जो कि फ्रंटल है और ये रेन को रोकती है, सीधे आगे की तरफ फेंकती है, तो इसको भी लगा लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जो टेंट है वो एकदम रेडी हो चुका है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर आप परफेक्टली लग गए हैं। हम देखते हैं इस बैग के अंदर हमको और क्या क्या चीज़ें मिलती है जो कि हमने अपने टेंट में लगाई नहीं है। इसके अंदर मिलती है हमको ये कुछ कील्स, यहाँ पर हमें 3, 3, 6, 7, 8, 9 कील्स मिलती है, जो कि हम चारों तरफ लगाने के बाद इनकी रस्सियों में लगा सकते हैं। ये होता है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, ताकि अगर हवा चलती है तो आप इनको लगा के आसानी से बच सकते हैं और टेंट आपका उड़ेगा नहीं। यहाँ पर आपको एक फ्रंटल डोर मिलेगा, यहाँ पर देखने के लिए चेन है, यहाँ से आप देख सकते हैं जो हमारी मेन चेन है ये फ्रंट वाली चेन खुल चुकी है और यहाँ से एंट्री हो जाती है। और एक यहीं से ही पीछे की तरफ से भी एक और रास्ता है जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा, ये पीछे की तरफ है, आइए कैमरामैन को लेके आते हैं और दिखाते हैं यहाँ से भी आपको। अंदर से इसमें आपको बहुत सारा स्पेस मिलता है देखने के लिए, और प्लस बाहर के डोरों की हमने बात कर ली। और ये जो शेप है जिसकी मैं बात कर रहा था, ये शेप इसलिए है क्योंकि ये बारिश को रोकता है टेंट के अंदर घुसने से और सीधे एक फ्लो देता है बाहर को निकलने के लिए ग्राउंड की तरफ। तो चलिए अभी हमने टेंट के डोर्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे इनके जो अंदर में यहाँ पर एक हमको नेट टाइप का मिलता है, क्योंकि पूरे टेंट के अंदर हमको ज़्यादातर नेट का काम देखने के लिए मिल रहा है, नेट टाइप की देखने के लिए मिल रही होगी। ये इसलिए है क्योंकि ये वेंटिलेशन का काम करती है गर्मियों में, और पर इसका एक नुकसान ये भी है कि ये ठंडों में ना पानी को अंदर को थ्रो करती है, क्योंकि ये इजीली खुल सकती है जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें। ये देखिए यहाँ पर आपको वेंटिलेशन मिलता है, ये आप खोल देंगे तो ये ओपन हो जाती है पूरी की पूरी। यहाँ पर देख रहे होंगे ये चैन सी है, ये आपको एक चैन दिख रही होगी जिसकी वजह से ये खुल जाता है, और आप इसको बंद भी कर लेंगे फिर भी इसके अंदर पानी घुस जाता है किनारों के रास्ते। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये किनारे इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं है, जिसकी वजह से पानी अंदर ईजिली घुस जाता है।
और रही बात स्पेस की, तो स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अगर आप स्पेस के चक्कर में ले रहे हैं और परफेक्टली समर के लिए ले रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं, बट आप ढूंढ रहे हैं कि आपको समर और विंटर्स के लिए टेंट चाहिए तो आप सजेस्ट करूंगा कि आप दूसरे टेंट की तरफ जाएं। तो चलिए अभी हम आगे हैं टेंट की बैक साइड में और अभी हम यहाँ से अंदर जाने वाले हैं और देखते हैं कि टेंट के अंदर एक्चुअल में 3 पर्सन आते हैं। 3 पर्सन टेंट है तो 3 बंदे तो आने ही चाहिए और हाइट भी चेक करेंगे कि कितने फिट तक के बंदे इसमें आ सकते हैं। तो चलिए गोलू आ जाओ। तो हाइट इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती है देखने के लिए, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं पूरा लेट चुका हूँ। ये देखिए पीछे भी थोड़ी जगह बची हुई है, यहाँ पर आपको पीछे की तरफ भी स्पेस मिलेगा प्लस पैरों की तरफ भी आपको इतना स्पेस एक्स्ट्रा मिलेगा और यहाँ पर आराम से 6 जने आ सकते हैं। गोलू इधर आओ, देखो 1 2 3 4 5 6 बंदे इसमें आराम से आ सकते हैं। तो स्पेस के मामले में तो मैं इसको रेटिंग दूंगा 5 में से 5। यहाँ से देख पा रहे होंगे मैं अभी टेंट से कभी 10-20 मीटर की दूरी पे हूँ और यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे जो टेंट की कवर है ये पीछे से तो कवर करती है पर आगे से उतना अच्छे से कवर नहीं करती है। आगे की तरफ ही चल के देखते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप मैं फ्रंट की तरफ में आ गया हूँ और देखिए ये ओपन है यहाँ से, जिसकी वजह से पानी एकदम ईजिली घुस जाता है और यहाँ पर आपकी स्क्रीन में कुछ वीडियोज आ रही होंगी इससे आपको पता चला होगा कि एकदम पानी इसके अंदर कैसे घुसता है और प्रीवियस वीडियोज में हमारे साथ कैसा कैसा हुआ है। पानी अंदर तक आ चुका है, ये इतना तूफान आ रहा है भयंकर वाला, साउंड सुन सकते हैं बारिश की। और ये देखिए हमारा टेंट देखिए किस तरीके से उड़ रहा है, ये देखिए टेढ़ा हो गया है, ज़्यादा प्रेशर है। पानी और गया, ये तो स्लीपिंग बैग की मदद से हम बचे हुए हैं, अभी तक हमारी मौत निश्चित थी। और इस टेंट को तो आप मत ही प्रीफर करें अगर आप कैंपिंग करते हैं रेनी सीजन में, क्योंकि ये इतना बेकार है इसमें पानी अंदर घुस जाता है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एग्जांपल, सीधे बनिस्टर मार दे, मैं शायद नहीं मारता कभी, अभी तो खाली लूट मार के भाग गया लोग। बाहर 5000 कैसे रहते हो? ये पूरा ये दिखाई नहीं, जो हरी चुका है यहाँ पर। तो बात करी जाए ओवरऑल फीचर्स की, टेंट तो आपने देख लिया पूरा, हमने यहाँ पर लगा के भी देख लिया, स्पेस ये काफ़ी ज़्यादा लेता है और 6 बंदे इसमें आराम से आ जाते हैं अगर 3% के हिसाब से आप ले रहे हैं। और एक फैमिली के लिए ये परफेक्ट टेंट है और थोड़ा थोड़ा वाटर प्रूफिंग के लिए अच्छा है, बट हैवी वाटर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, यानी कि मानसून के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक समर टेंट है, वेंटिलेशन इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है, चारों तरफ से आपको वेंटिलेशन मिलेगा, पीछे की तरफ से लेफ्ट राइट और फ्रंट से भी आपको वेंटिलेशन मिलेगा, प्लस 2 डोर्स के साथ आता है। और इसकी जो प्राइस है वो अभी करंट में चल रही है 7000, मतलब 6999, तो इतनी जो इसकी प्राइस है इस अमाउंट में ये काफ़ी अच्छा टेंट है। और अगर आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखना चाहें जिसमें हमने इसका वाटरप्रूफिंग टेस्ट भी करा है तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं, आपको वहाँ पर वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी और इसके ग्राउंड टेस्ट की वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो हमारे चैनल में ऐसी आपको अनबॉक्सिंग वीडियोस मिलती रहेंगी और साथ ही साथ हम कैंपिंग करते रहते हैं तो वो वीडियोस भी आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक कर लेना। और इससे इस टेंट से रिलेटेड और हमारे नए टेंट से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगी। अभी हम और टेंटों की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सिंगल टू सिंगल और देखने वाले हैं उनके पूरे ओवरऑल ग्राउंड परफॉर्मेंस और विंटर समर ये सब हम चेक करेंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।